हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, तो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो मैं आपके साथ ये जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ ना, मुझे लगता है इस टॉपिक से ज्यादा बेस्ट फीलिंग दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये जो अर्ली सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, एक भी वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ वो सिर्फ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो है वो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले आप यूरिन टेस्ट घर पे कर लीजिए, और अगर यूरिन टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। और पीरियड मिस होने का सिर्फ एक ही यही कारण नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसमें आपको यानी पीरियड मिस हो जाते हैं। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए घर पे, उसके बाद आप डॉक्टर को विजिट कर लीजिएगा। एंड सेकेंड है नौजिया होना। बहुत कॉमन ये सिम्टम्स है अर्ली प्रेगनेंसी के, जिसमें नौजिया इंसान को स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्ड है वॉमिटिंग का होना। वॉमिटिंग भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है गाइज, जब यानी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं यानी 12 सप्ताह जो 12 वीक होते हैं उसमें ये नौजिया होना एंड आपका वॉमिटिंग होना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन काउंट हो जाती हैं। एंड जो फोर्थ है वो है फूड क्रेविंग होना। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा उनको बढ़ जाती है, एंड किसी केस में ऐसा होता है कि फूड क्रेविंग बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। मेरे केस में ऐसा था कि जो चीजें मैं खाती थी बिल्कुल भी मेरा बंद हो गया था। मैं बिल्कुल कुछ भी खाना पसंद नहीं करती थी, मुझे नौजिया वॉमिटिंग सारी चीजें मतलब होती थी, तो बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था। तो सबके केस में जो ये सारे सिम्टम्स हैं ना वो बहुत अलग अलग होते हैं। एंड जो फिफ्थ है वो बहुत ही कॉमन है, स्मेल आना। तो बहुत सारे केस में नहीं होता है सबको, मेरे केस में ऐसा हुआ था। स्मेल मुझे बहुत स्ट्रांग आती थी हर एक चीजों की, इनफैक्ट मुझे दाल की बहुत गंदी स्मेल आती थी एंड मुझे गरम मसाले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बाहर के खाने से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे क्या खाएं प्रेगनेंसी में क्या ना खाएं, अगर आपने वो वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो सिक्स्थ कॉमन सी प्रॉब्लम है वो है स्लीपीनेस। इतना ज्यादा नींद आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे केस में तो यही था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी ज्यादा नींद आती थी कि मुझे लगता था सिर्फ मैं बेड पकड़ के सो जाऊं, मुझे सिर्फ यही लगता था। और बहुत सारे केस में मैंने नहीं देखे हैं, लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक्टिव थी, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो 12 वीक होते हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा स्लीपी फील करती थी। एंड जो सेवेंथ है वो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है यानी सिम्टम्स है मेरे लिए। ये सारी चीजें यानी मुझे जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था तो मुझे ये सारी चीजें बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जब फर्स्ट टाइम जब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है कि दूसरों के साथ भी होता है। पर नहीं, सबके केस में जो है ना प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबके केस में अलग अलग होते हैं, तो सबका सेम नहीं है। मेरे केस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये होती थी कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठूं तो नौजिया वॉमिटिंग ये सारी चीजों के साथ, स्लीपीनेस के साथ टायर्डनेस बहुत होता था मुझे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी आदत है हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा नेक वगैरह मूवमेंट करते हैं, चीजें करते हैं। तो जब मैं ऐसे करूँ ना, यानी मुट्ठी जब मैं बांधती थी तो मेरे ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पोर्स जो दिख रहे हैं फिंगर्स के, मुझे इतना ज्यादा पेन होता था। इनफैक्ट पैर के टो से लेके ये हैंड फिंगर्स इतने ज्यादा पेन होते थे। तो जब बाद में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कैल्शियम की अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो बाकी बोन्स में भी आपको प्रॉब्लम होंगी, ना कि सिर्फ पैर के टो एंड हैंड फिंगर्स में। तो मुझे सिर्फ यही दो जगह प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था।
तो वो एक अलग मैटर है कि डॉक्टर आपको मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं एंड चीजें बाद में फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी को दिखाते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं ये। एंड जो एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, उसमें बहुत जो आपके फिटल हैं वो आपके फिलोपियन ट्यूब में होते हैं। तो उसमें क्या आपको चीजें हो जाती हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वॉमिटिंग आ जाना, या तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, स्पॉटिंग होना, ये सारी चीजें जो है ना वो सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो आप सबसे पहले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आप सबसे पहले डॉक्टर को विजिट कर लीजिए कि ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड कॉमन नहीं है सिम्टम्स। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही एब्नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। एंड हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है ये है, वो जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, या तो फिर लड़की है या तो फिर लड़का है, तो जो आपके सिम्टम्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी के वो बहुत अलग अलग होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या तो फिर चाहे दोनों हो या ट्विंस हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सिम्टम्स जो आपके अर्ली प्रेगनेंसी है वो आपके सेम रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हो सकता है शायद आपके साथ कुछ दूसरा सिम्टम्स हुआ हो, मेरे साथ कुछ अलग सा सिम्टम्स हुआ, वो चीजें कॉमन है कि सबके सिम्टम मैच नहीं करते। और प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि मैं आपको बताऊं, मैंने जितने लोगों से बातें करी है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोगों से मैंने बातें करी हैं और जो मैंने खुद फेस किया हुआ है, वो सबसे अलग में, मतलब किसी का जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो है ना, वो कभी आप किसी से मैच नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रेगनेंसी जर्नी अलग है, मेरा अलग है, सामने वाले का अलग है, अगर आप 10 लोगों से बातें करेंगे तो आप 10 चीजें जानने को आपको नई नई चीजें मिल सकती हैं। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स यही है यार, सबकी चीजें हम मैच नहीं कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ सिम्टम्स है तो किसी का कुछ सिम्टम्स है। तो यही सारी चीजें हैं। मेरे केस में मैं आपको बता दूं कि वॉमिटिंग ऐसा था, डॉक्टर्स बोलते थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वॉमिटिंग है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता था। इनफैक्ट मुझे लास्ट टाइम पर डॉक्टर थक हार के मुझे उन्होंने मेडिकेशन दे दिया, क्योंकि मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इस वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पे मेरा 56-55 अराउंड था वेट। उसके बाद जैसे मैंने कंसीव किया, मेरा वेट डायरेक्ट ड्रॉप होके 51 हो गया। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि हमको वेट बढ़ाना है ना कि कम करना है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो वो थक हार के मुझे वॉमिटिंग का मेडिकेशन है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आप ये मेडिसिन लो। और दिन के दो दो टाइम मैं मेडिसिन खाती थी, पर मैं आपको बताऊं उसके बाद भी मुझे दिन का 4-5 बार वॉमिट होना कंपल्सरी था, यहाँ तक कि मेडिसिन लेने के बाद भी। तो वही चीजें हैं यार कि अगर मेरे एक्सपीरियंस कुछ अलग है, आपके एक्सपीरियंस अलग है, तो जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स है ना वो बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है अगर आप उसको इंजॉय करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ 9 महीने की बात है, उसके बाद तो जो चीजें हैं वो बहुत ही अलग हो जाने वाली हैं। और जो पीरियड मिस होने का मैं आपको सबसे बड़ा एक वो चीज बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर एंड तक सुनिएगा। लोग कहते हैं, डॉक्टर से भी मैंने सुना था, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, कंफर्म आपको हो जाएगा। अभी मैंने भी स्टार्टिंग में आपको यही चीजें बोली कि सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो पीरियड मिस होने का होता है प्रेगनेंसी में। पर मेरे केस में ऐसा था ना, पीरियड तो मेरा मिस हुआ बाद में, 10 दिन बाद। 10 दिन पहले से ही मुझे जो सिम्टम्स थे ना वो स्टार्ट हो गई थी। मैं जा रही थी मेरे घर मुंबई, उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं था टाइम पे, तो मैं बस से ट्रैवल कर रही थी। और मुझे इतना ज्यादा नौजिया एंड वॉमिटिंग जैसा स्टार्ट हो गया, मुझे लगा यार मुझे तो लाइफ में कभी ट्रैवलिंग में ये सारी चीजें हुई ही नहीं, तो मुझे अब क्यों हो रही हैं। तो फिलहाल हम तो प्लानिंग कर ही रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, तो मुझे था कहीं ना कहीं, मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को फोन किया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मैं देखिए, जब आप थोड़ा सा अवेयर रहते हो ना तो चीजें आपको समझ में आती है। मैंने तुरंत गूगल किया एंड थोड़े से डॉक्टर्स वगैरह के सारे चीजें विकिपीडिया पे पढ़े मैंने, तो मैंने देखा कि नहीं, ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स ही हैं। और घर पहुंची मैं, मेरे भाभी से मैंने बात की, तो उनको भी लगा कि नहीं, प्रेगनेंसी ही है। उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बैंगलोर गई, घूमी फिरी बहुत ज्यादा, मैं एक्टिव थी। लेकिन जब मैं घर पे आई
तो घर पे आने के बाद जब मैंने टेस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी 5 डेज निकल चुके थे पीरियड के मेरे मिस हो गए थे, और मैं पीरियड मिस होने के पहले से ही कन्फर्म थी, श्योर था मुझे कि ये चीज़ें मुझे हैं, और कन्फर्म जब मैंने 5 डेज के बाद मैंने जब टेस्ट किया तो पता चला ये कन्फर्म न्यूज़ है। तो वही चीज़ें हैं यार, जो चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें डॉक्टर बोल रही हैं, जो चीज़ें बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो सच ही होती हैं। सबके केस में चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी है सबसे बेस्ट फीलिंग है यार, लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग है। एज अ मॉम मैं आपको ये चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट है ना, जर्नी है, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप मुझे रिलेट कर पाएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी फीलिंग क्या है, मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मेरे वीडियोज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो यार, तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल मज़ेदार वाले ब्लॉग के साथ एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय।